गुरदयाल पुत्र गिरिराज सिंह निवासी गोरव किसान अपने खेत पर परिवार के साथ रहकर काम कर रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पता चला कि उसके घर में आग लग गई है। आनन फानन में किसान अपने घर पहुंचा तो देखा कि बुरी तरह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया है। किसान के पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की और पानी डाला। किसान के बेटे चंद्रकांत की शादी लगभग 2 साल पहले मध्य प्रदेश से हुई है। चंद्रकांत बल्लभगढ़ में रहकर काम करता है, वो बल्लभगढ़ गया हुआ था। चंद्रकांत की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, घर पर उस समय कोई भी नहीं था। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक ग्रामीणों ने अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया था। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। मकान मालिक का कहना था कि लगभग 2 लाख रुपए का सामान जला है। क्या नाम भाई साहब आपका? गुरदयाल। गुरदयाल जी, ये गाँव कौन सा है? गोरव। थाना कौन सा लगता है? क्या समस्या हुई थी आज? आँच लग गई है, वरना पता पर जी चक्कर पर बस। आप कहाँ पे थे? हम तो आराम है। आग कहाँ पे लगी है? घर पे। घर में सामान क्या क्या जल गया? सामान को जो सब बाकी बेड फेड और बिना किसके किसके बेड मोड़ा के शादी के मेरे को पूरा सामान। कौन चला रहा? गुरदयाल जी, लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा? था नहीं रुपया आपका जो एक 500 को बचा और तो सबसे पहले रेट में कमरे में कैश भी रखा हुआ था। गैस सिलेंडर धोया है। भाई साहब, आपका परिचय? शिव कुमार। शिव कुमार जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी साहब। जब आग लगने की सूचना मिली तब आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। सूचना आते ही मिलते ही मैं तुरंत भग के यहाँ आया। फिर यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ आके मैंने देखा तो कमरे में भयंकर तरीके से आग लग रही थी। फिर आपने आग पर काबू करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग भयंकर होने के कारण हम उसके नजदीक नहीं पहुँच पा रहे थे। आग लगने का रीजन क्या रहा? सर, ये जानकारी नहीं हुई, पर बताया जा रहे अपने अंदाजा लगा रहे हैं तो उसमें गैस सिलेंडर रखे थे, या तो कोई बच्चा उसमें काम कर रहा होगा, या फिर कोई लाइट के जरिए से कोई चिंगारी उठी होगी उसके तरीके से लगी होगी। सही मायने में पता नहीं, सही मायने में नहीं पता है सर आग किससे लगी है। आपने पुलिस को सूचना दी थी इसके बारे में? जी सर। और फायर ब्रिगेड को? जी सर। दोनों पहुंची थी मौके पे? फायर ब्रिगेड आई थी, तब तक हमने आग पर काबू पा लिया था सर, और पुलिस भी कुछ समय बाद ही आ गई थी। सामान क्या क्या जलगा कुछ आपकी नजर में है? लड़के के दहेज में जो भी सामान मिला था, एलईडी है, फ्रिज है, कंप्यूटर था और कूलर है, डेस्क और कुछ उसकी चीज बत बहू की उसमें जो रखी थी, बेड है और उसमें कुछ चांदी सोना के पहले जो भी सामान था, कुछ उसके पैसे भी थे उसमें पर्स में, वो सारा ही सामान जल गया था। कैश का आइडिया है कितना होगा? कैश का सर आइडिया तो नहीं है, पर उसमें हमें 3 लोड 500 के जले हुए निकले हैं और कुछ उसकी राख मिली है। अच्छा, ये जो आग लगी तब यहाँ कितने लोग मौजूद थे? कम से कम सर सारा आधा सा काम 200-300 आदमी तो इकट्ठे हो ही गए थे। बमुश्किल गांव के लोगों ने ही आग पर काबू पाया। गांव के लोगों ने ही आग पर काबू पाया। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? सर लगभग मेरे अंदर तो 2 लाख के करीब तो नुकसान हो ही गया होगा।